शाहपुरी और धर्मशाला की सीमा पर स्थित डल झील के शाही स्नान पर भी कोरोना का साया पड़ गया। कोरोना के चलते इक्का दुक्का लोग ही डल लेक पे शाही स्नान के लिए पहुंचे थे। डल झील पहुंची महिलाओं ने झील की परिक्रमा करके खुद झील के जल का छिड़काव किया और दुर्वेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि शाही स्नान का आगाज सोमवार को ही हो गया था, जिसके चलते लोग डल झील में स्नान के लिए पहुंचे थे। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। वहीं बच्चों और युवाओं ने झील में स्नान का आनंद उठाया, तो वहीं दुर्वेश्वर महादेव मंदिर में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। व्यवस्था तो देखिए, कोविड की वजह से क्या व्यवस्था रहेगी, ना ही आज उतनी पब्लिक है। जिस तरह से यहाँ पर एक नॉन होता था, जिसको हम डल लेक का दूसरा नाम मानते हैं यहाँ पर मणिमेज के बाद, तो व्यवस्था तो सरकार की तरफ से ठीक है, पर उतनी पब्लिक नहीं आ पा रही है कोविड की वजह से। हम 17 साल से यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम करते थे बागसू टेक्सटाइल के सौजन्य से। ये हमारी मेंबर कमेटी है, सभी जितने भी हर साल हम यहाँ पर भंडारा लगाते थे, ये हमारा 17वां भंडारा था। पर कोविड की वजह से हम उतना बढ़ चढ़ कर नहीं भंडारा लगा सके। गवर्नमेंट की कुछ अटेक्शनें थी कि कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ ना हो, तो हमने उसी को मद्दे रखते हुए एक छोटा सा प्रसाद जिस तरह से वितरण कर रहे हैं हम 2 साल से, उसी तरह कर रहे हैं। नहीं तो पहले हम काफ़ी बड़ा भंडारा लगाते थे और 5,000 लोगों का खाना बना, खाना हमारा चलता था 5-6 हज़ार लोगों का यहाँ पर, जिसमें हम कांगड़ी धाम या चना भटूरा प्रसाद ये हमारा खुल के चलता था। पर अब कोविड की वजह से इस बार हम कुछ भी नहीं कर पाए, पर थोड़ा सा एक प्रसाद हम भक्तजनों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप भी प्रसाद ग्रहण करें, धन्यवाद। प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, गाइडलाइंस दे दी गई हैं और शाही स्नान लोग कर रहे हैं, लेकिन कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पिछले कल से जिस तरह से शुभ मुहूर्त था, तो कहा कितनी संख्या में लोग यहाँ पे रात को पहुंचे? पिछले कल बहुत ही कम लोग थे, रात को 3 बजे शाही स्नान हुआ है। पंडित जी ने दुर्वेश्वर महादेव जी के मंदिर के पंडित जी आए थे, उन्होंने स्नान करवाया था और उसके बाद वो मंदिर में चले गए थे। अब आज जिस तरह से कोविड की वजह से हालांकि लोग कम हैं, फिर भी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, तो किस तरह देखते हैं और लोगों को क्या, किस तरह से वो मार्गदर्शन जो है लोगों को किया जा रहा है? लोगों को फुली अवेयर किया गया है, लोग जो जो आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है, बिना मास्क के ना घूमे और लोग नहा रहे हैं। इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि गहरे पानी में ना जाएं, किनारे किनारे पे ही रहें और धार्मिक आस्था जुड़ी है लोगों के साथ, तो ये साइस